गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं बेटा एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सिक्स पार्ट करेंगे बेटे हम। चलिए करते हैं। यू हैव टू इक्वेशंस, 6x + 3y = 6xy एंड 2x + 4y = 5xy। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वी यूज इक्वेशन रिड्यूसिबल, देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे लीनियर इक्वेशन बनाओगे। तो ये जो आपकी इक्वेशन है कैसी है, यहाँ पे x है, y है और फिर यहाँ पे क्या है आपका xy है। बट जो आपका लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपके पास कि x वाली स्टेटमेंट आती है, फिर y वाली, उसके बाद आपके पास क्या आता है, कॉन्स्टेंट टर्म आती है ना। तो आप क्या करोगे, मैं इसके अंदर इस एक्स वाई को रिमूव करना चाहती हूँ, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बाय एक्स वाई। ओके, एक्स वाई से हम डिवाइड कर देंगे तो ये आपका बनेगा 6x/3y/xy, that is equal to 6xy/xy। ओके, नाउ जो सेकेंड इक्वेशन है वो आपकी क्या बनेगी, 2x/xy + 4y/xy, नाउ दैट इज इक्वल टू 5xy/xy। सिंप्लीफाई करेंगे, ये x से आपका x कैंसिल हो जाएगा, y से आपका y कैंसिल हो जाएगा और एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बनेगी, 6y + 3x = 6, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सिमिलरली ये आपके पास बनेगा, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बनेगा 2y + 4x, दैट इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी 4। नाउ इक्वेशन रिड्यूस करनी है आपको, नाउ लेट कर लोगे, 1/y क्या होगा आपका p एंड 1/x क्या बन जाएगा q। नाउ लेट करेंगे आप, लेट 1/y = p एंड 1/x = q। जब आप p और q को पुट करोगे 3 और 4 के अंदर तो आपके पास बनेगा 6p + 3q = 6, 6p + 3q = 6, ये आपकी इक्वेशन नंबर बन जाएगी 5th। नाउ 2p + 4q = 5 और ये आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6। नाउ अब आपने क्या करना है, एलिमिनेशन लगाएंगे हम इसके अंदर, कोई भी मेथड लगा सकते हो, वैसे हम एलिमिनेशन लगाएंगे। तो आप अगर मान लो हम पी को, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें और फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन कैसी बनेगी, राइट भी कर सकते हो यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 5th by 1 एंड इक्वेशन 6th by 3। तो ये आपके पास बनेगा 6p + 3q = 6, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। और दूसरी बनेगी 6p + 12q = 15 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी। नाउ सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 7 फ्रॉम 6, बिकॉज हमारे पास ये दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, ये प्लस आपका माइनस हो जाएगा, 6p से 6p कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3p और -12p +3q - 12q -9q एंड -15 + 6, ये आपका क्या बनेगा, -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू बन जाएगा 9/9, कैंसिल करेंगे आपके पास क्या होगा, 1। ओके, नाउ क्यू की वैल्यू को आप 5th या 6th किसी में पुट कर सकते हो, पुट क्यू इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5th में पुट करेंगे, 6p + 3q = 6, 6p + 3 × 1 = 6, 6p + 3 = 6 एंड 6p = 6 − 3 = 3 बन जाएगा ये आपका। क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 1 आया, नाउ 1 पुट किया हमारे पास ये 3 आया, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या बन गया, 6p = 3। नाउ देन पी इज इक्वल टू ये बनेगा आपका 3/6, कट करेंगे, पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/2, बट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। नाउ हमने क्या किया था, लेट किया था कि पी किसके इक्वल है, 1/y के। नाउ पुट कर दो, पी इज इक्वल टू 1/y, इट मीन्स पी की जगह आप क्या पुट करोगे, 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2। ओके, नाउ सेकेंड क्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, 1,
नाउ क्यू इक्वल टू हमारे पास 1 था और क्यू हमारा क्या था 1 बाय एक्स. नाउ 1 बाय एक्स इक्वल टू क्यू, इट मीन्स 1 बाय एक्स इक्वल टू 1, 1 को आप राइट कर सकते हो 1 बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा. तो ये आपका जो आंसर है क्या होगा x का, और ये आपके पास वैल्यू किसकी होगी y की. ओके नाउ ये हमारा सोल्यूशन है 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पार्ट. नेक्स्ट जो आपके पार्ट हैं इसी के ही 7th और 8th पार्ट, बोथ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगी 7th पार्ट एंड 8th पार्ट. ओके थैंक यू.